हैप्पी वैलेंटाइन डे। समझ में नहीं आ रहा आपको, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। क्या बात करूं मैं और क्यों बात करूं मैं? जब मैं कह रहा हूं मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो आपको मुझसे बात क्यों करनी है? देखो राजवीर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। तुम इसलिए नाराज हो ना क्योंकि क्योंकि मैंने वहां सबके सामने निधि के साथ डांस किया। आपको पता है इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है, राइट? पर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आप मेरी माँ से प्यार करते हैं, और वहां डांस आप निधि आंटी के साथ कर रहे थे। वाओ। हाँ, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कर रहे थे आप, क्योंकि दुनिया के सामने तो वही आपकी वाइफ है, राइट? राजवीर, दुनिया और दुनियादारी को छोड़ो राजवीर, प्लीज विश्वास करो मेरा। देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैंने इस जिंदगी में किसी से प्यार, सच्चा प्यार किया है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीता है, तुम्हारी माँ है। उसके अलावा मैंने किसी से प्यार नहीं किया। तुम लोग मेरा परिवार, प्रीता, तुम, शौर्य, काव्या, यही तो हो, और कौन है? देखो वहां निधि ने मुझे फोर्सफुली डांस करने के लिए सबके सामने कहा। अगर मैं सबके सामने मना करता तो वहां पे झगड़ा हो जाता, सबके सामने एक नया ड्रामा छिड़ जाता। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ड्रामा हो वहां पर, इसलिए मैं डांस करने के लिए मान गया। लेकिन सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता से प्यार करता। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर कल को तुम्हें शनाया कहे कि तुम उसके साथ में डांस करो, तो क्या तुम मना कर दोगे? सबके सामने अगर तुम्हें उसके साथ में डांस करना पड़े तो क्या लगेगा? पर तुम उससे प्यार करते हो, उसके लिए फीलिंग्स है। नहीं राजवीर, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम किसी के साथ में डांस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगते हो, तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कल को अगर तुम शनाया के साथ में डांस करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पलकी को धोखा दे रहे हो। प्लीज इस बात को समझो। देखो निधि दिखावा करती है, वो सबके सामने इस बात को जताती है कि वो मेरे कितनी टेक केयर करती है, कितना प्यार करती है मुझसे, फैमिली की कितनी टेक केयर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर इस परिवार के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से, क्योंकि जब शौर्य बड़ा हो रहा था तब प्रीता यहाँ पर नहीं थी। शौर्य को एक माँ की जरूरत थी, और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ निधि थी। निधि ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अगर शौर्य किसी की बात मानता है, समझता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ निधि है। अगर निधि इस घर में है तो सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दिस।